सो so, जय हिंद किसी भी जॉब के लिए किसी भी वर्क के लिए किसी को एक पैसे भी नहीं देने ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है ठीक है फ्रॉड का शिकार होने से बचो ना कि फ्रॉड का शिकार हो जाओ बेस्ट ऑनलाइन थैंक यू सो मच सो थैंक सर आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अब थ्री थाउजेंड कैंडिडेट मेरे थ्रू सिलेक्ट हो चुके हैं मैं तो ठीक हूँ भाई जॉब लग गई तो उसकी खुशी में थोड़ा अच्छा लग रहा है आपके वजह से तो लग गई यार थैंक्स अ लॉट प्रथम सर फॉर गाइडेंस बस आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा डर खत्म हुआ और मैंने कुछ अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए कुछ करने को सीखा Finally, मैंने मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया वो भी एयरलाइन एवरी वीक एपी आज फाइनली मुझे जॉब मिल चुकी है इसका सारा क्रेडिट प्रथम सर को जाता है प्रथम सर ने मुझे जो भी बहुत थैंक्स अ लॉट प्रथम सर थैंक यू सो मच फाइनली आई गोड जॉब और ये सब हो पाया प्रथम सर की वजह से थैंक यू प्रथम सर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की हेलो एवरीवन जय हिंद सभी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ आप सबको पता अभी आपने मेरे व्लॉगिंग चैनल पे देखा था मैं बाहर गया था तो मैं उधर बहुत सारे नए लोगों से मिला था बहुत सारे देखो जब से मैं जॉब इस फील्ड में आया हूँ एजुकेशन फील्ड में काफ़ी सारे लोगों से मेरे कॉन्टैक्ट्स बने हैं उधर मेरे को काफ़ी सारे लोग मिले थे वो एक इवेंट था तो इवेंट में हर एक टाइप का इंसान आता है एक इंजॉयमेंट के लिए भी आता है और एक कोई क्या बोलते हैं वहाँ पे जस्ट सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं उधर बहुत सारे मिनिस्ट्री से भी बहुत लोग आते हैं उधर विजिट करने तो मेरा क्या बोलते हैं बहुत सारे लोगों से वहाँ पे कांटेक्ट हुआ मैं मिला और बहुत सारे लोगों मेरे को पता चला कि मेरी वीडियोस भी देखो यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं तो मेरी वीडियोस भी बहुत सारे लोगों ने उधर देखी हुई भी थी राइट अभी मैं वो जब आज तक के टॉप एंकर से मिला था उन्होंने भी मेरे को यही चीज़ बोली मैंने वीडियो में भी डाला था कि भाई उन्होंने भी मेरा वीडियो देखा हुआ है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैं आपको बताया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आज जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ और रेगुलर एक अमेजिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप सबको देख रहे हो ना आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पूरी यूट्यूब पर देख लो आप आपको इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी वही घिसे पिटे पुरानी कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताते बट आप देखो मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ तो इसी बात पे सब्सक्राइब करके रख लो चैनल नहीं तो आप बोलोगे बाद में कि हमें तो अपडेट नहीं मिल रहा भाई तो अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ में घंटी है ना छोटी सी उसको दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कर लेना ताकि आप ये ना बोलो कंप्लेन ना करो मेरे को कि अपडेट नहीं मिल रहा डेली का टाइमिंग फाइव फोर्टी फाइव है जॉब अपडेट्स स्कॉलरशिप अपडेट्स गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स हर एक टाइप के जॉब अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे ठीक है और बहुत जल्दी इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी आने वाला है दुबई यू एस तीन जगह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो इस चीज़ का ज़रूर वेट करना और आप कौन सी जगह के लिए इंटरेस्टेड हो वर्क फ्रॉम होम भी अटेंशन मतलब ऐसा मत समझो कि वहीं जाना पड़ेगा बट वहाँ जाना तो वहाँ भी जा सकते हैं इट्स अपॉन यू कॉमेंट करके जरूर बताना कौन सी जगह के लिए इंटरेस्टेड हो तो अब बात कर बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन मेरे को सबसे ज़्यादा ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इधर ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स को भी चांस मिलता तो बहुत अच्छा लगा भाई क्लर्क क्लर्क uh, की पोस्ट पर जॉब है इधर क्लर्क आप सबको पता होगा क्लर्क की पोस्ट पर जॉब है और भी काफ़ी सारी डेटा एंट्री का भी काम है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में तो आप लोगों को इसमें अप्लाई कैसे करना है सेम वही है सरकारी नौकरी है तो इसका ऑनलाइन अभी अप्लाई नहीं हो रहा ऑफलाइन फॉर्म है तो सेम लाइक दैट जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जॉब बताई थी उसी की तरह है आप लोगों को मैं पी बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना उसके बाद आप लोगों को जैसे आपने उसका किया था जस्ट जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद आप लोगों को जस्ट अप्लाई करके पोस्ट में मतलब पोस्ट ऑफिस में जो एड्रेस दिया हुआ वो पोस्ट ऑफिस में जा उधर के लिए पोस्ट कर देना आप समझ गए ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है अब मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीज़ें करनी है ठीक है और कमेंट सेक्शन में अपना नेम और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूर लिख देना जिससे मेरे को नेक्स्ट जॉब अपडेट के लिए हेल्प मिल जाती है इससे कि हाँ किस किस टाइप की आपकी क्वालिफिकेशन है और किस किस टाइप में आप इंटरेस्टेड हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और एक लाइक like ज़रूर ठोक दो यार फ्री का लाइक like है एक लाइक like से आपके मेरे को मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाने का डेली ठीक है मैंने आपको टाइमिंग बता दिया डेली का 5:45 शाम को चैनल ओपन कर लिया करो अपडेट्स ले लिया करो और हाँ व्लॉगिंग चैनल जिसने नहीं देखा उधर भी जाके आप विज़िट करो सब्सक्राइब कर लो भाई अगर प्यार कर देना चाहते हो तो और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग देखने को मिलेगी कभी कभी मैं उधर भी अपॉर्चुनिटीज डाल देता हूँ अभी मैं गया था वहाँ पे वहाँ पे, वहाँ पे एक्ट फाइबर नेट की अपॉर्चुनिटी थी बहुत सारी चीज़ें तो मैं शेयर कर देता हूँ उधर ही ठीक है क्योंकि मैं मैं भाई चलो सब कुछ छोड़ते हैं अब चलते हैं अप्लाई मेथड पे कैसे अप्लाई करना है देख लो सो so फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से देखना अप्लाई कैसे करना बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फिर मत बोलना अपडेट्स नहीं मिल रहे हमें डेली डेली शाम को 5:45 फोर्टी अपडेट्स डलते हैं जॉब के तो खुद से चैनल चेक कर लिया करो जॉब्स ऑल इंडिया डॉट कॉम सर्च करना है गूगल पे पोर्टल आएगा क्लिक कर देना है सुप्रीम कोर्ट में जिसने अप्लाई नहीं किया कर लो क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती इतनी बेस्ट सैलरी देख के तो खुद ही बेहोश हो जाओगे इतनी खतरनाक सैलरी इतने सारे कैंडिडेट्स पहले भी मैंने एक बार शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे तो कुछ कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे हाई कोर्ट में भी सिलेक्ट हुए थे तो सैलरी बहुत जबरदस्त होती है तो अप्लाई जरूर कर लेना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको मिल जाएगा सेकेंड या थर्ड नंबर पर स्क्रोल करके देख लेना क्लिक करूंगा क्रॉस कर देते हैं इसको अब देखो किसी भी जॉब के बारे में हमें पढ़ना चाहिए पहले कि वो जॉब किस बारे में है क्योंकि अगर हमें कॉल आता है समझो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपको कॉल आया कि आपका रेज्यूम सिलेक्ट हो गया है ठीक है रेज्यूम से याद आया अपना रेज्यूम अच्छा बनवा लेना नहीं तो अगर आपका रेज्यूम वही आप, आपने खुद से बना रखा है किसी ऐप से बना रखा है या पुराना बन रखा है तो न्यू बनवा लो अपडेटेड वो भी प्रोफेशनल डेली कैंडिडेट्स मुझसे बनवाते हैं तो मैसेज कर दो मेरे को इंस्टाग्राम पे ताकि मैं आपका रेज्यूम बना के आपके ईमेल पे सेंड कर सकूं ठीक है क्योंकि रेज्यूम बहुत मेन रोल प्ले करता है आपकी जॉब के अंदर ये याद रखना ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए ठीक है हर एक चीज एम एस आर डबल वी पी हर एक चीज पता होनी चाहिए ताकि आपको पूछे कॉल पे तो आप बता पाओ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉल करें वो वो कॉल ही काट दे कि यार इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ठीक है लास्ट डेट सबमिशन की ये जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो नो प्रॉब्लम ठीक है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बटन पे और हां ये जो जॉब्स ऑल इंडिया का पोर्टल है इस पे डेली सुबह शाम वैकेंसीज डलती हैं इस पे तो कुछ वैकेंसीज पे जिसपे हमें वीडियो नहीं भी बना पाता तो फॉलो के बटन पे क्लिक कर, करोगे आप तो यहां पे कॉर्नर पे कंफर्म फॉलो आएगा कन्फर्म फॉलो कर लेना आप इस पोर्टल के मेंबर बन जाओगे ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एकदम स्क्रॉल करूंगा या नीचे टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा क्लिक करोगे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिस पे उस पे भी सुबह शाम वैकेंसीज डलती हैं कुछ फॉर्म्स होते हैं पीडीएफ्स होती है तो पीडीएफ मैं इधर शेयर नहीं कर सकता तो मैं उस पर ही शेयर कर देता हूं तो इस पर क्लिक करके ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं जिसने ना किया कर लेना वैकेंसीज की डिटेल्स देख लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो ट्वेल्थ पास ठीक है प्राइवेट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए है ठीक है और आपका आपको किन किन कैंडिडेट्स को टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में किन किन कैंडिडेट्स को हिंदी में आनी चाहिए और किन किन कैंडिडेट्स को नहीं आनी चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है पे स्केल क्या रहेगा कितनी आपकी सैलरी रहेगी ठीक है थीके? और सिलेक्टेड कैंडिडेट जब आपका प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद क्या सैलरी रहेगी सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है और हाँ इसमें जो फॉर्म है वो फॉर्म की पीडीएफ मैं आपको दूंगा उस फॉर्म को जैसे सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों ने पोस्ट किया है ना आपको इधर भी पोस्ट करना है क्योंकि भाई गवर्नमेंट सरकारी जॉब है ठीक है सरकारी नौकरी लगने वाली है आपकी तो ऑफलाइन फॉर्म जो है इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है पोस्ट कैसे करना है जिसने सुप्रीम कोर्ट का वीडियो नहीं देखा जाके देख लो उसमें मैंने पोस्ट का बता रखा है एनवेलप में कैसे डाल के हर एक चीज ठीक है अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं अब मैं बताऊंगा आपको पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी पीछे सारी की सारी डिटेल्स इंग्लिश में थी इधर सारी डिटेल्स हिंदी में दे रखी क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स मेरे को बोलते हैं हमें इंग्लिश में प्रॉपरली नहीं समझ आता आप हिंदी में भी दे दिया करो तो हिंदी में दे रखा है भाई आप लोगों के लिए दे रखा है तो पढ़ लेना जिनको इंग्लिश आती है वो भी हिंदी में पढ़ लेना ताकि थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए क्योंकि कॉल आता है आप लोग फेल हो जाते हो फिर आप डीमोटिवेट होते हो फिर मेरे पास आते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया फिर लास्ट में अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे इधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी ट्वेंटी सेकेंड्स का हमें वेट करना है जब तक लिंक जनरेट हो रहा है देख रहे हो कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना तक स्टार्ट कर दिया देख लो खुद से देख लो अब आप जब तक जॉब लिंक जनरेट हो रहा है तब तक वेट करते हैं हम सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन नो का ऑप्शन आ जाएगा अपने आप इधर नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने पर आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी जैसे सुप्रीम कोर्ट की हुई थी पहला दूसरा तीसरा चौथा चार शुरू के चार पेज जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसको बोलते हैं जो सरकार की तरफ से लागू किया जाता है तो इसको पढ़ लेना ये जॉब के बारे में ही है सारी डिटेल्स ठीक है जो सर, सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने डायरेक्टली उनका पीडीएफ प्रोवाइड कर दी अब नीचे यहां पे आपको फिफ्थ पेज सिक्स सेवेंथ ये जो लास्ट के पेज है ना एक मिनट रुक जाओ कितने मैं बता देता हूँ आपको ठीक है पहला अब आप देख सकते हो ये देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा देखो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है इस फॉर्म का आपको ऊपर नोटिफिकेशन में पता चलेगा किस किन पोस्ट के लिए भर्ती निकली है लोएस्ट क्लर्क के लिए देखो हिंदी में भी नोटिफिकेशन दे रखा है गवर्नमेंट ने इंग्लिश में भी दे रखा है सरकारी नोटिफिकेशन है लोएस्ट डिवीजन क्लर्क प्राइवेट सेक्रेटरी ठीक है तो फिफ्थ नंबर पे जो पेज है फिफ्थ नंबर का पेज आप ऊपर ही पढ़ सकते हो बहुत सारे कैंडिडेट है पढ़ने की आदत डालो भाई आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछते हो मैं हूं हेल्प करने के लिए बट पूरा डिपेंडेंट मत बनो मेरे ऊपर आगे भी आपको लाइफ में खुद से ही करना होगा ना हर एक चीज पहली लाइन लिखिए कि लोएस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ये वाला फॉर्म है तो पहले ऊपर नोटिफिकेशन में लोएस्ट डिवीजन क्लर्क मैंने पीछे जॉब्स ऑल इंडिया पे सारी डिटेल्स दे रखे हैं उधर भी जाके पढ़ लेना कि लोएस्ट डिवीजन क्लर्क की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब हम इस जॉब में सूटेबल हैं अगर आपको नहीं लगता तो ये वाला फॉर्म स्क्रोल करके फिफ्थ सिक्स फिफ्थ और सिक्स वाला फॉर्म करके सेवेंथ वाले पे आ जाना प्राइवेट सेक्रेटरी इसमें आपको कर दोनों में देख लेना ले कि तो आपको। आपको क्या ही बताऊं नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ यही भरना है कैटेगरी क्या है एससी एसटी ओबीसी क्या हो आप आधार कार्ड नंबर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब अपने घर का ही ठीक है टेलीफोन ई मेल आई प्रॉपरली और हाँ यार करेक्टली भरना काटा पीटी मत करना फॉर्म में आपका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है अपने आसपास साइबर कैफे नेट कैफे ठीक है फोटोकॉपी कहीं से उधर से प्रिंट आउट निकलवा लेना घर में प्रिंटर हो तो घर से निकलवा लेना किसी दोस्त के पास तो उनसे निकलवा लेना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी यहां पर लिखनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर कौन सी लिखोगे हाइएस्ट हाइएस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं मैंने टेंथ भी पास कर रखे टेंथ कॉमा ट्वेल्थ कॉमा ग्रेजुएशन ऐसे नहीं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसके बाद कुछ नहीं किया तो ग्रेजुएशन ठीक है अगर आपने सिर्फ ट्वेल्थ कर रखी है उसके बाद कुछ नहीं किया तो ट्वेल्थ आएगी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो लास्ट में की हो आपने ठीक है और यहाँ पर आपको कंप्यूटर स्किल्स लिखनी है देखो स्किल्स आ गई ना सरकारी जॉब में भी स्किल्स आ गई इसीलिए बोलता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप लोग बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते जो कोर्सेज है बहुत महंगे होते हैं तो इसलिए मैंने अपना पेड व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया बहुत कम चार्जेस देकर ज्वाइन कर सकते हो देखो हर दे एक चीज के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं ना इधर एस कोर्स सर्टिफिकेट देख रहे हो ना इसीलिए बोलता हूं ग्रुप ज्वाइन करो नहीं तो सच में बता रहा हूँ इंडिया में किसी भी कंपनी में जगह नहीं मिलेगी आपको बट अगर आप स्किल्स पे आज पैसे इन्वेस्ट कर लोगे ना वो पैसा आपको आगे जाके डबल ट्रिपल इतना फ्यूचर में बेस्ट कर देगा ना क्योंकि आपके हाथ में स्किल होगी ठीक है बाकी आपके ऊपर है देखो जिसने कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हो तो इधर अपना डाल देना कि कौन सा कोर्स कर रखा है आपने नाम डालना है उसका और अपने कोर्स के जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी करा के मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले में बताया था ना इसी फॉर्म के साथ स्टेपल करके उसकी फोटो कॉपी तब पोस्ट करना है एसपी कोर्स अगर आपने कर रखा हो तो वो भी आप करके कर सकते हो डिटेल्स ऑफ अगर नहीं कर रखा हो ना एसपी कोर्स आपने तो एन ए डैश नहीं कर रखा कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रखा कंप्यूटर स्किल्स ना हो सर्टिफाइड वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से बेस्ट स्किल नहीं कर रखा एन ए डाल देना ये नहीं कि आप कहीं का भी एक सर्टिफिकेट डाल दो क्योंकि फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है अगर एन ए ठीक है अगर आप एन लिख दोगे तो कहीं ना कहीं बच जाओगे ठीक है प्रॉपरली हर एक चीज पढ़ के यहाँ पे भर लेना बहुत ईजी है ठीक है अब यहाँ पे काफी सारे पिछले वाले फॉर्म में भी सुप्रीम कोर्ट वाले फॉर्म में भी कैंडिडेट्स मेरे से पूछ रहे थे कि ये दोनों क्या हैं लास्ट में देखो यार पढ़ने की आदत डालो एटीनथ नंबर का पॉइंट लिखा है फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट बाय द डिपार्टमेंट मीन्स अगर आप कहीं काम करते हो तब वो लोग आपको भर के देंगे कंपनी वाले अगर आप कहीं काम नहीं करते इसको ब्लैंक छोड़ देना ये एन ए डैश एन ए डैश एन ए डैश कैपिटल लेटर में एन ए लिखना है ठीक है सर्टिफाइड बाय द एप्लीकेंट ये तो आपको खुद लिखना है इसमें आपको क्या लिखना है आई आई के आगे अपना नाम स्टेट दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी मतलब मैंने देख लिया एलिजिबिलिटी और मैं क्राइटेरिया कौन सा मैंने पास किया है ऊपर कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम लिखना इधर ठीक है प्रॉपरली हर एक चीज करके सिग्नेचर करना और हाँ इस फॉर्म के साथ अपनी टेंथ की मार्कशीट का सर्टिफिकेट ट्वेल्थ की मार्कशीट ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कर रखे तो उसकी मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट अगर इनमें से कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम बट कोशिश करना हर एक चीज़ आप इसके साथ में उसकी फ़ोटो कापी अटैच करके दो कंप्यूटर स्किल्स का सर्टिफिकेट अटैच करके देना ठीक है सर्ट वो फोटो कापी करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका कर ठीक है और पोस्ट कैसे करना है इसका एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो के और जो इसका एनवलअप कैसे करना है पोस्ट कैसे करना है वो मैंने सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में बता रखा है इससे पिछले वाली वीडियो तो जाकर देख लेना भाई उसको भी और हाँ एक बात बोलूँगा ऐसी जॉब्स अगर लग गई ना जिंदगी में ऐश ही ऐश है सच में ऐश है ठीक है बहुत सारे लोगों का सपना होता है ठीक है एक अच्छी पोस्ट पे काम करना देखो सरकारी नौकरी और भी बहुत होती हैं बट ये जो जॉब है ना ये एजुकेशन से रिलेटेड है इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ठीक है एजुकेशन का एक अलग ही रिस्पेक्ट है इंडिया में ओके तो इसमें आपको रिस्पेक्टफुल जॉब है सरकारी नौकरी और भी बहुत होती हैं ठीक है बट ये जो जॉब है ना ये रिस्पेक्टफुल जॉब है तो आपको लेनी ही लेनी है पीछे लग जाओ भाई ठीक है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ पी बटोरता हूँ ठीक है ऑफिसिस जाता हूँ ऑनलाइन पोर्टल से निकालता हूँ जॉब्स तो यार लाइक कर दो एक कमेंट कर दो प्यारा सा और बस आपको एक कष्ट करना है शेयर के बटन पे जाके वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बस और क्या होगा दूसरों की हेल्प हो जाएगी ठीक है और मेरे को भी अच्छा लगेगा बस इतना कर दो अगर आप सच में एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो और मेरे को मैसेज करके रेज्यूम बनवा लो अपना ठीक है रेज्यूम बनवाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो नहीं तो ऐसे ही फॉर्म्स आते रहेंगे आप भरते रहोगे कहीं सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि स्किल्स नहीं होंगे तो आपको बोलूंगा लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो स्किल्स सीख लो भाई ठीक है और प्रोफेशनल रेज्यूम मेरे को मैसेज करके जरूर बनवा लेना चलो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ बेस्ट ऑफ लक बी सेल्फ डिपेंडेंट जय हिंद और हाँ जो रेगुलरली शेयर करता है वीडियोस लाइक कमेंट करता है उसको मैं भी सपोर्ट करता हूं आपको पता है पीसी लैपटॉप हेडफोन्स कैश प्राइज ये सब गिव अवे में मिलते हैं टेन थाउजेंड तक तो रेगुलर रहो मेहनत करते रहो बाकी सपोर्ट मैं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता uh, जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस की अच्छा कुछ ना होने की वजह से वो आप लोग फेस करो सो so, ये पी का एक पार्ट आ चुका है भाई अमेजोन से मंगा लिया अब और धीरे धीरे पीसी के पास आते रहेंगे और गिव अवे चले जाएंगे सो so, यहाँ पे गिव अवे बॉक्स जो मैं पीसी देने वाला हूँ उसके पार्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं उसको अनबॉक्स किया जा रहा है यहाँ पर और देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर गिफ्ट्स हैं और यहाँ पे अनबॉक्स हो रहा है भाई तो रेगुलर लाइक कमेंट शेयर करते रहो और प्राइजेस जीतते रहो सो so गाई जो जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस की ना स्टार्टिंग में अच्छा लैपटॉप नहीं पीसी नहीं कुछ नहीं तो मैं नहीं चाहता और स्टूडेंट्स जो पीछे रह जा रहे हैं इस चीज की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके घर पे अच्छा फोन नहीं ले पा रहे टैबलेट पीसी कुछ भी नहीं है स्किल्स किस पे सीखे ना कंप्यूटर है तो मेरा ये इनिशिएटिव है मुझसे जितने हो पाएगा मैं उतना हेल्प करूंगा आपने देखा मैं पीसी भी गिव अवे अप कर रहा हूँ कंप्यूटर भी मैं गिव अवे में दूंगा लैपटॉप टैबलेट सब कुछ गिव अवे में मैं देने वाला हूँ तो भाई बस रेगुलर सपोर्ट करते रहो अगर आप भी जीतना चाहते हो देखो फ्री में तो नहीं दे रहा आपको अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी नहीं देने रेगुलर लाइक कमेंट शेयर स्टोरी पर मेंशन रेगुलरली सपोर्ट जो करेगा वो भी दिल से ऐसा नहीं है सिर्फ आप प्राइस के लिए आप बोल रहे हो कि प्राइस कब मिलेगा मेरे को प्राइस नहीं जो दिल से सपोर्ट करेगा जो जो मेहनत करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा ताकि यार कोई स्टूडेंट पीछे ना रह पाए जो चीज मैंने फेस की मैं नहीं चाहता और लोग फेस करें इस चीज को तो मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी हेल्प होगी सबके लिए रेगुलर लाइक कॉमेंट शेयर मेंशन करते रहो सपोर्ट करते रहो और गिव अवे प्राइज जीतते रहो